बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई और बहनों, दुनिया की कोई बीमारी हो, कोई लाइलाज मसला हो, उसका अगर आप हल चाहते हैं तो फिर सूरतुन नजम की इस आयत को पढ़ें। एड्स जैसे, कैंसर जैसे मरीज इस आयत को पढ़कर अल्लाह ताला ने उन्हें शफा अता कर दी। इस आयत में इतनी शफा अल्लाह ताला ने रखी है, आप जिस लाइलाज बीमारी की डॉक्टर को समझ नहीं आ रही या वो बीमारी जो आपकी जान नहीं छोड़ रही, आप इस आयत की एक तस्बीह सुबह और एक शाम को पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लें, चंद दिन चंद हफ्ते कर लें, यकीन माने अल्लाह आपको ऐसी शिफा देगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई बंदा ये समझता है कि मेरे जिस्म में कोई बीमारी ना हो, तो वैसे भी आप इस आयत को पढ़कर अपने जिस्म पर दम कर लें तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से वैसे भी बच जाएंगे, और अगर कोई बीमारी हुई तो वो भी जिस्म से निकल जाएगी। तो सूरत नजम की ये आयत है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। इस आयत को पढ़ते रहें और दम करते रहें, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं, यकीन माने मौत के अलावा हर बीमारी से अल्लाह ताला आपको शिफा दे देंगे। ये बड़ी बरकतों वाली आयत है, इसको पढ़कर जिस्म पर जरूर दम कीजिएगा, डॉक्टरों के पास टाइम जाया करने और पैसे जाया करने से आप बच जाएंगे। जरूर अमल कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है, जहां कहीं भी कोई बंदा बीमार है, मेरे करीम रहीम रब, तू सबको शिफा दे दे। आमीन।